बंदों का, आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर, उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। सफर आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। शख्स को भेजो, अगर मुझे वो हरा सके तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर मैं उस पर गालिब आऊं तो तुम हमारे खादिम हो जाओगे और हमारी खिदमत करोगे। सुनिए उसकी फजीहत, क्या हमारे पास कोई नहीं? कोई रजाकारी के लिए रजामंद नहीं होगा। कोई नहीं? अबनेर, सबसे तेज और ताकतवर शख्स को चुनो और उसे हुक्म दो कि जाति जुलियत से लड़े। आपने उन सबको देखा है आलमपना, उनके घुटने डर से थर थर कांप रहे हैं और वो चलने के काबिल भी नहीं। हुजूरे वाला, हम में से किसी एक को जाना होगा। हम दोनों में से एक? ऐ बादशाह, लोग अपने बादशाह के बिना क्या करेंगे? ललकारता हूँ याकूब के बेटों, किसी मर्द को भेजो जो मुझसे लड़े। कायर हो, तुम सब नामर्द हो, कायर हो, बुज़दिल। क्या
तुमने उसे देखा? वो सचमुच हैवान है, पर वो अपने हथियारों के बिना कुछ भी नहीं। सुनो, क्या तुम वही बहादुर हो जो हमें बैठा है? खुद को रजाकार कहकर पेश करो। वो हमें 40 दिन से ललकार रहा है और अब तुम्हें हिम्मत जाग रही है। ये हिम्मत तुम्हें कहां से आई? मैं नहीं कहता कि रजाकार बनूंगा, पर जो भी उसे लड़ने जाएगा वो हमें गुलाम बना डालेगा। जब तक हम इस ऊंची जगह पर हैं, हम महफूज हैं। एक तजवीज और तेज धार तलवार से मैं उसके पांव धड़ से काट डालूंगा। तो फिर बढ़ो, बादशाह तुम्हें अमीर बना देगा, अपनी बेटी से निकाह करवा देगा और लगान भी नहीं देना पड़ेगा। क्या ये सच है? अफवाह है, बादशाह ने खुद ये कहा, मैंने खुद बादशाह के मुंह से ये सुना। ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे? है मुसीबत लाने वाले, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? तुम हमारी मुखबरी कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने क्या किया? क्या मुझे सवाल पूछने का भी हक नहीं है? बादशाह को दिलेर मर्द चाहिए। वो बस एक लड़का है। वो चरवाहा है। बादशाह ने मुझे मालूम करने को कहा है कि क्या अल्लाह इस जंग में है या नहीं, और ये पहली बार है जब मैंने खुदा का जिक्र सुना है इन 40 दिनों में। वहां मेरे साथ जाएगा। ऐ मेरे बादशाह, उठो यहां। उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। तू महज एक लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता हूँ और मैंने कई मर्तबा शेर और रीछ से लड़ाई की है। मैंने उनके मुंह से बर्रे को छुड़ाया और उन्हें हलाक किया। हम यहाँ जानवरों से नहीं लड़ रहे। इस नामखून का अंजाम भी वही होगा क्योंकि इसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। अबनेर, अबनेर। अब फरमाइए मेरे आका। जरा सुनो इसे। जिस खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से छुड़ाया है, वही मुझे इस फिलिस्तीनी के हाथ से बचाएगा। खैर, अल्लाह तेरे साथ रहे। अबनेर, इसे ले जाओ और मेरा जरा बख्तर पहनाओ। जो हुक्म आलिया। कामयाब नहीं। उस लड़के को भेजे हुजूर। हम हमला करेंगे जब यह लड़का उनका तवज्जो उलझाने में मशगूल होगा जूलियत के साथ। हमारे लिए यही मौका बेहतर होगा। मुझे यह सही नहीं लग रहा। हमारे लिए यही एक उम्मीद है। अगर यह तजवीज कामयाब ना हुई तो? वो बहुत ही खूबसूरत लड़का है, उसकी मौत नुकसानदेह होगी। हुजूर, उसकी मौत हमारी मौत से बेहतर रहेगी। उम्र में कम और दिलेर भी। क्या बनी याकूब की छावनी में कोई कुत्ता भी नहीं? वो कुत्ता जो काटता हो। मैं ललकारता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा खून चखना चाहता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या, इतनी जल्दी हार मान गए? मैं उस नामख्तून फिलिस्तीनी को बनी याकूब की फजीहत करने नहीं दूंगा। ये होता है जज्बा। तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह मेरे लिए काफी है। फिक्र मत करो, अबनेर और मैं यहां हालात को काबू में रखे हैं। क्या? उस हैवान पर गालिब आना उसके लिए नामुमकिन है। हालांकि वो काफी वक्त तक फिलिस्तीनों को उलझाए रखेगा ताकि हम उन पर टूट पड़े। वो आप उस लड़के को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। वो इसकी फरमा बरदारी है। वो हिम्मती लड़का है और उसका इनाम भी बड़ा होगा जैसा मैंने वादा किया है। अगर वो सहवान पर गालिब आए तो? ये नामुमकिन है। लेकिन अगर अल्लाह उसके साथ हो तो? एक अंधा भी इसका अंजाम देख सकता है। बनी याकूब की फौज में एक भी दिलेर नहीं जो मेरे मुकाबले आ सके। ना मुरा दो, तुम सब बुजदिल हो, बुजदिल। चलो भाग जाओ, चलो भाग जाओ, और तुम दबा के भागो यहां से।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम्हें भेजा है तुम्हारे उस कुवती अल्लाह ने? एक लड़का सा नाजुक चेहरे वाला। ये क्या लाए हो लड़के? क्या मैं कुत्ता दिख रहा हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है? यहाँ आ जा, मुझे मेरे देवताओं की कसम, तमाम फिलिस्तीनी देवताओं की, तुझ पर लानत भेजेंगे, तुझ पर थूकेंगे। मेरे पास आ जा, मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। ओ पहलवान जूलियत, तू तलवार भाला और पर्ची लिए हुए आता है, पर मैं अपने रब्बुल अफवाज के नाम से जो बनी याकूब की फौजों का खुदा है, जिसकी तूने आज फजीहत की थी और आज ही के दिन अल्लाह तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार कर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूंगा ताकि तमाम दुनिया जान ले कि बनी याकूब का एक ही खुदा है और ये सारी जमात जान ले कि अल्लाह ऐसे नहीं बचाता, ये जंग अल्लाह की है और वही तुझे मेरे हाथ कर देगा। उस लड़के ने वो नामुमकिन कर डाला। मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ कि फतेह हमारी होगी। आलमपना, फिलिस्तीनी भाग गए, हमारा लश्कर उन्हें हलाक कर रहा है, वो भाग रहे हैं। अब्नेर, ये लड़का किसका बेटा है? तेरी जान की कसम, मैं नहीं जानता। पता लगा कि ये नौजवान किसका बेटा है? जो आपका हुक्म बादशाह। उठो उठो। अरे बादशाह, तेरा खादिम तेरे लिए तेरे दुश्मन का सिर लाया है और इसे तेरे कदमों में रखता है। ऐ जवान, तू किसका बेटा है? मैं तेरे खादिम बेहतल में यस्सी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे वालिद को कहलवा भेजूंगा कि तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे। मैं अपने साथ ताकतवर और जोरावर लोग इकट्ठे कर रहा हूँ। अरे बादशाह, मैं तेरा खादिम हूँ। लो मेरी तलवार लो।
ढाल और मेरे सब हथियार ले लो, हमारी मोहब्बत और दोस्ती की निशानी। मैं अपने जान तुम पर कुर्बान करता हूं, हमारी मोहब्बत का सबूत। मेरी जान भी तुम पर कुर्बान है। वो जंग में बहुत ही जोरावर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी फितरत में ही अगुवाई है, उसके लोग उस पर भरोसा और इज्जत करते हैं। मैंने वो सुना, यही मेरी फिक्र की वजह है। आए बादशाह, अगर बोलने की इजाजत हो। बेफिक्री से बोलो। मुझे नहीं लगता दाऊद आपके हक में कोई बदगुमानी रखता है, और ना ही वो आपकी सल्तनत हथियाने का इरादा रखता है। कोई भी बादशाह बेवकूफ कहलाएगा अगर वो ऐसे लड़के को नजरअंदाज करे। मालिक, वो आपसे खौफजदा है, आपने उस पर भाला फेंका है, वो भी दो दफा। मैं बहुत गुस्से में था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वही है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकता है। एक बार आप उसे अपनी बेटी के निकाह की कोशिश क्यों नहीं करते, फिर निकाह के वसीले से वो आपके घराने का हो जाएगा। वो उससे मोहब्बत करती है? ओह हाँ बादशाह, वो अक्सर उससे मिलने के बहाने ढूंढती है। तुम्हारा ख्याल है दाऊद भी उससे मोहब्बत करता है? आए बादशाह, दाऊद तो तुम्हारे पूरे घराने पर फिदा है, वो और योनातन एक दिल दो जान है। चलो मैं ये तजवीज उसे पेश करूंगा, अपने दुश्मनों को करीब लाना अपने लिए ही बेहतर होता है। मेरे अब्बा अल्लाह की बरकत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह ने उन्हें चुना है, उन्हें छोड़ा नहीं है। फिर अल्लाह ने उन्हें यूं खारिज क्यों कर दिया? वो बेमकसद भटक रहे हैं, बुरी तरह खौफजदा। मुझे डर है कि तुम्हारे अब्बा ने उस कुएं में जहर डाल दिया है जिससे वो पीते हैं। जब तुमने जूलियत से लड़ाई की और फतेह पाई, मेरे अब्बू जान गए और हम सब भी जान गए कि तुम अल्लाह के ममसूह हो। तुम मेरे हक में खड़े रहे और दोस्त बने, पता नहीं इसकी कितनी बड़ी कीमत तुमने चुकाई होगी। ऐ मुस्तकबिल के बादशाह, हमारी दोस्ती बेश कीमत है क्योंकि तुमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। और दाऊद ने लाखों को मारा, क्या ये सुना तुमने? हाँ मेरे बादशाह। अब वो मेरी सल्तनत के अलावा और क्या चाहता होगा? मेरी सल्तनत पर नजर है। वो आपका वफादार खादिम है आए बादशाह। नहीं, कोई इंसान वफादार नहीं रहता जब उसे इतनी ताकत हासिल हो जाए। मेरे आका, शायद आपको ये शख्स अलग लगे। नहीं अब्नेर, ताकत बदउनवानी है। खुद को पुरसुकून रखो आए बादशाह, खुद को पुरसुकून रखो। मेरे बादशाह, मेरे बादशाह। आका, क्या हुआ? वो कहाँ है? वो आ रहा है। मेरा सिर, ओ मेरा सिर फटा जा रहा है। कुछ करो, कुछ करो। कहाँ है वो? वो आ रहा है। उनकी ऐसी खराब हालत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। खादिम कहते हैं कि अल्लाह की रूह उनसे जुदा हो गई है और एक बुरी रूह उन्हें डरा रही है। वो उनकी खदमत से डरते हैं। बेचारे मेरे अब्बा। मैं उनके लिए गाऊंगा, अक्सर उससे उन्हें सुकून मिलता है।
तुम कहां थे? वो जानते हैं कि तुम यहां हो। ये अल्लाह के ममसू हैं। मेरे अब्बू लाचार हैं। ये सिरदर्द उनका गुस्सा बढ़ा देता है। अजीब बात है ना, सबसे अलग तुम ही हो जो उनके अंदर की पूरी रूह को सुकून दे सकता है। आवाजें उन्हें सुकून देती हैं, मेरी भेड़ों की तरह भेड़िया के भाग जाने के बाद। ऐ मेरे अल्लाह, या इलाही, मेरे अल्लाह मेरे इलाही, मैं पुरजोर परस्तिश करता हूँ। मेरी रूह तुझको तरसती है और मेरा जिस्म तेरे लिए तड़पता है। एक बंजर बियाबान में और अकेले वहां जहां कोई लहू बहा, मैं तेरी पनाह को तरसता हूं, तेरे कुव्वत और जलाल का मुंतजर हूं मैं। या इलाही, या इलाही, क्योंकि तेरा रहम करम जिंदगी से बढ़कर है। मेरे होंठ तेरी परस्तिश करेंगे जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तेरा नाम गुनगुनाऊंगा। जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करता हूं और मैं तुझ पर तवज्जो रखता हूं, मेरी रूह तुझसे वाबस्ता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा सहारा है। दाऊद, तू वो इंसान है जो खुदा के दिल के करीब है। योनातन, अल्लाह की मर्जी कौन जानता है? बस काफी हो गया, तुमने बहुत भला किया। सफर आओ देखे तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।